हेलो चिल्ड्रेन वेलकम टू आर इंग्लिश सीरीज टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चैप्टर वन ऑफ योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी सक एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज हुमर्क रिटन बाय कैरोल मूर बच्चों ये एक छोटे से बच्चे की कहानी है जिसका नाम पैट्रिक है और पैट्रिक को होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं लेकिन आप सबको तो होमवर्क करना बहुत पसंद है 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 ना अब क्या होता है इस कहानी में कि पैट्रिक इमेजिन करता है कि उसके पास एक एल्फ या छोटा सा मायावी बोना आ जाता है जो उसे इंस्पायर करता है कि वो अपने होमवर्क को पूरा करे और साथ ही साथ अपने उस होमवर्क में अपने काम में ए ग्रेड भी ले ले इस कहानी में मैजिकल रियलिज्म को बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया गया है मैजिकल रियलिज्म का मतलब है एक ऐसी विधा जिसमें वो चीज वास्तविक नहीं है लेकिन वो जादुई भी नहीं है मगर वो इमेजिनेटिव है वो काल्पनिक है और एक ऐसी ही कल्पना में इस सुंदर सी कहानी को रचा गया है सो चिल्ड्रन बिफोर रीडिंग द टेक्स्ट Now let us read the new words that have come in the chapter, so that it will make the reading of the chapter more easier. The first word is "intendo." Then "ignoramus," "grabbed," "breeches," "wrinkled," "shrieked," "dishcloth," "hamper," "grimaced," "scowled," "semester." Squeaked, yelled, library, mystery, elf, wandered, glitch, weary, paused, bleary, puffed, developed, chores. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. Patrick अपना गृह कार्य कभी नहीं करता था वह कहता यह बहुत बोरिंग या पकाऊ है इसके बदले उसे हॉकी बास्केटबॉल या निंटेंडो नाम का वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद था हिज टीचर्स टोल हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग उसके टीचर्स उसे बताते पैट्रिक अपना गृह कार्य किया करो नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख सकोगे एंड इट्स ट्रू समाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस बट वॉट कुड ही टू ही हेटेड होमवर्क और यह सत्य था कभी कभी उसे महसूस होता कि वो एक इग्नॉरमस पर्सन है यानी एक अज्ञानी व्यक्ति है जो पढ़ लिख नहीं सकता लेकिन अब वह क्या कर सकता था उसे तो होमवर्क से नफरत थी देन पनडे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विदिटल डॉल एंड ही ग्रेविडिट अवे तब एक दिन उसने अपनी बिल्ली को एक छोटी सी गुड़िया से खेलते देखा और उसे झपट लिया टू हिज सरप्राइज इट वॉजेंट अ डॉल एट ऑल और उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि असल में वह एक गुड़िया नहीं है बल्कि छोटे से कद का एक आदमी था He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. उसने पुराने फैशन या पुराने स्टाइल की ब्रीचेस या पतलून के साथ ऊनी कमीज और जादूगरनी जैसी लंबी टोपी पहनी हुई थी ही यिल्ड सेव मी डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट आई विल ग्रांट यू योर विश आई प्रॉमिस यू दैट वह जोर से चिल्लाया बचाओ मुझे मुझे इस बिल्ली को दोबारा मत देना मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा पैट्रिक कुरन बिलीव हाउ लकी ही वाज पैट्रिक को अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हुआ हियर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ इस प्रॉब्लम्स यहाँ उसकी सारी समस्याओं का जवाब था सो ही सेड ओनली इफ यू डू ऑल माई होम वर्क टिल दी एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स थर्टी फाइव डेज इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट इज तो वह बोला एक चर्त पर मैं तुम्हें बचा सकता हूँ अगर तुम अगले आने वाले सेमेस्टर पैंतीस दिनों के लिए मेरा पूरा होमवर्क कर दो और अगर तुमने अच्छा काम किया तो मुझे ए ग्रेड मिलेगा द लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन छोटे से कद वाले आदमी का चेहरा ऐसे सिकुड़ गया जैसे ढक्कन वाली टोकरी में रखा हुआ कोई डिश क्लॉथ या बर्तन साफ करने का कपड़ा हो he kicked his legs and doubled his fists and he grimaced and scowled and pursed his lips oh am i cursed but i'll do it वो बहुत गुस्सा हो गया उसने गुस्से में अपने पैर पटके अपनी मुठ्ठियां बांध ली ही ग्रमेज यानी उसने मुंह बना लिया एंड स्काउल्ड अपनी भवे चढ़ा ली और अपने होठों को सिकोड़ते हुए बोला ओ oh, क्या मैं इतना बदकिस्मत हूं लेकिन मैं यह करूंगा ट्रू टू हिज वर्ड द लिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क और अपने वादे के पक्के उस एल्फ या बॉने ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू किया एक्सेप्ट देर वॉज वन ग्लिच बस इसमें केवल एक ही ग्लिच या प्रॉब्लम थी द एल्फ डट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प एल्फ को हमेशा पता नहीं होता था कि क्या करना है और उसे मदद की जरूरत होती थी हेल्प मी हेल्प मी ही वुड से एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट वे मेरी मदद करो मेरी मदद करो वह जोर जोर से कहता और पैट्रिक को किसी भी तरह उसकी मदद करनी पड़ती थी आई डोंट नो दिस वर्ड्स क्वीक वाई रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क गेट मी अ डिक्शनरी नो वॉट्स इवन बेटर लुक अप फॉर द वर्ड एंड साउंड इट आउट ईच लेटर मुझे यह शब्द नहीं आता पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते हुए एल्फ चिल्लाया मुझे डिक्शनरी ला कर दो मुझे शब्दकोश लाकर ला कर दो नहीं इससे अच्छा यह है कि इस शब्द को ढूंढो और एक एक अक्षर करके पढ़ो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक जब गणित की बारी आई तो पैट्रिक की किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया वॉट आर टाइम्स टेबल्स एल्फ्रीड वी नेवर नीड दैट ये पहाड़े क्या होते हैं

गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू और इतना कहते कहते वह बोना और जोर जोर से चिल्लाने लगता लाइब्रेरी जाओ मुझे किताबें चाहिए और और किताबें तुम मेरे लिए इन्हें पढ़ो भी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटल एल्फ वॉज अ नैग पैट्रिक वॉज वर्किंग हारर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग ही वॉज स्टेइंग अप नाइट है वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लियरी प्रतिदिन हर बात के लिए परेशान करने वाला व्यक्ति बन गया था पैट्रिक पहले से कहीं अधिक मेहनत कर रहा था और क्या यह नीरस था अन इंटरेस्टिंग था वह रात रात भर जाग रहा था आज से पहले कभी उसे इतनी थकान महसूस नहीं हुई वो प्ला पफ ब्लियरी आइस से सूझी हुई और धुंधली आँखों से स्कूल जा रहा था फाइनली स्कूल का आखिरी दिन आ गया और अब एल्फ जाने के लिए आजाद था एंड no so, slipped out आउट द door। क्योंकि अब कोई होमवर्क बाकी नहीं था इसलिए वह चुपचाप मक्कारी से पीछे के रास्ते भाग गया पैट्रिक गॉट हिज एज हिज were amazed। पैट्रिक को ए ग्रेड मिला और उसके सभी क्लासमेट्स या सहपाठी बड़े हैरान थे हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड ऑफ प्रेज उसके टीचर्स बहुत खुश थे और उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे एंड फॉर हिज पेरेंट्स दे वॉन्ट वॉट हैड हैपन टू पैट्रिक और उसके माता पिता उसके पेरेंट्स हैरान थे कि पैट्रिक को क्या हो गया है ही वॉज नाउ अ मॉडल किड अब वह एक आदर्श बच्चा था ही क्लीन हिज रूम एंड डिड हिज चोर्स एंड चेयरफुल नेवर रूड लाइक ही हैड डिवेलप द होल न्यू एटीट्यूड अब वह अपने अपना कमरा साफ करता अपने रोज़मर्रा के काम करता हमेशा हंसमुख रहता और कभी नाराज ना होता जैसे अब उसने एक नया नज़रिया विकसित कर लिया हो यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थाट ही हैड मेड द टाइनी मैन डू ऑल इज होमवर्क बट आई शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी इट वॉज इन दैट्रिक है कि पैट्रिक तब तक भी यही सोचता रहा की उसने उस बौने आदमी से अपना सारा होमवर्क कराया लेकिन मैं आपसे एक गुप्त रहस्य साझा करना चाहती हूँ जो केवल मेरे और आपके बीच में ही रहेगा और वो ये कि वो एल्फ नहीं था वो बोना नहीं था जिसने सारा होमवर्क किया असल में वो पैट्रिक ही था जिसने अपना होमवर्क पूरा किया चिल्ड्रन होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड टेक्स्ट टैक्स वी हैव कम अक्रॉस सो मेनी न्यू वर्ड्स इन द टेक्स्ट। नाउ लेट अस डिस्कस द मीनिंग्स नाउ द फर्स्ट वर्ड इज इंटेंडो व्हिच इज द नेम ऑफ अ वीडियो गेम दैन इग्नॉरमस विच मीन्स एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन एक अज्ञानी व्यक्ति जो पढ़ना लिखना नहीं जानता ग्रिमेज मीन्स शोइंग डिजगस्ट गुस्से में अपना मुंह बनाना वॉन्डर्ड मीन्स सरप्राइज आश्चर्यचकित होना स्काउल्ड मीन्स फ्राउंड गुस्से में अपनी त्योरियाँ या भावें चढ़ाना ग्लिच मीन्स अ फॉल्ट इन अ मशीन और अ प्रॉब्लम मशीन में कोई खराबी आ जाना या कोई समस्या ग्रैब्ड मीन्स स्नैचड या खींचना सेमेस्टर आ हाफ अ क्वार्टर टर्म इन स्कूल आधा वर्ष वियरी मीन्स एक्सट्रीम टायर्डनेस बहुत अधिक थकान होना ब्रिचेज वी कैन कॉल देम ब्रिचेज ऑल्सो अ शॉर्ट ट्राउजर्स छोटी पतलून स्क्वीक्ड मीन्स क्राइड अलाउड जोर से चिल्लाया पर्सड मीन्स कॉन्ट्रैक्टेड यानी अपने होट सिकोड़ना रिंकल्ड मीन्स स्लाइटली फोल्डेड स्किन झुर्रियों वाली चमड़ी येल्ड मीन्स शाउटेड चिल्लाया ब्लियरी मीन्स लुकिंग डल या बहुत ही उदास थका हुआ नीरस होना श्रीक्ट मीन्स क्राइड इन हाई पिच बहुत ऊंची आवाज में चिल्लाना लाइब्रेरी मीन्स अ प्लेस वेब बुक्स पीरियोडिकल्स एक्सेट्रा आर आकेप्ट फॉर यूज यानी पुस्तकालय पफ मीन्स स्वलन और सूजी हुई डिश क्लॉथ मीन्स अ क्लॉथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेज बर्तन धोने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कपड़ा मिस्ट्री मीन्स अननोन थिंग्स अर्थात ऐसी चीज़ें जो जिनसे हम अनजान हैं डिवेलप्ड मीन्स एडवांस्ड और टू ग्रो विकसित होना हैम्पर मीन्स अ बास्केट विद अ लिड यानी ढक्कन वाली टोकरी एल्फ मीन्स सुपर नेचुरल क्रीचर एक ऐसा जीव जो इमेजिनरी या काल्पनिक है जादूई है चोर्स मीन्स रूटीन टास्क रोज़मर्रा के कार्य बच्चों आशा है आपको ये पूरे मीनिंग्स क्लियर हो गए होंगे तो आप अपनी पेंसिल उठाइए और अपनी बुक में इसके मीनिंग्स को नोट डाउन कीजिए उसने नोटबुक में लिखिए और फिर से एक बार रिवाइज कीजिए हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन लेकर आएंगे अपने नेक्स्ट सेशन में टिल देन लेट्स रैप अप द सेशन फॉर टुडे बाय